नमस्कार दोस्तों, मैं गगनदीप सिंह आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कंसेप्चुअल मॉम पर। आज की इस वीडियो में हम SSC सीरियल मेंस 2018 में जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू आपको गिवन है। एंड साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चार ऑप्शन है, 35/12, 29/3, 35/6 और 29/6। तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा, और 3 को इक्वल टू के इस तरफ ले आते हैं तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 2 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, 2 प्लस का है 3 माइनस का है तो ये कितना रह जाएगा, माइनस 1, और 3 साइन थीटा को एज इट इज लिख देंगे इज इक्वल टू 0। इन सबके साइन चेंज कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट माइनस का है, तो 2 साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट में से हम क्या फॉर्मूला ले सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा, साइन थीटा माइनस 1, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन में से साइन थीटा माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। साइन थीटा माइनस 1 को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो साइन थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1। और सेकंड कंडीशन में जब 2 साइन थीटा माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, 1/2। साइन थीटा कहां पर 1/2 होता है, साइन थीटा 1/2 होता है 30 पर, तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा कितना आ गया आपका 30, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30, वो वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। साइन स्क्वायर 2 थीटा है तो साइन स्क्वायर 60 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 और उसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दे रखा था, देन कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस 30 पर कितना होता है, 1/√3/2 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, cos 30 कितना है, √3/2 तो उसका स्क्वायर हो गया। देन टेंजेंट स्क्वायर 2 थीटा, टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 और उसका भी स्क्वायर। देन कोसेकेंट स्क्वायर 2 थीटा, कोसेकेंट 60, कोसेकेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 और उसका भी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, √3/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, देन अगेन 3/4 प्लस 3 और प्लस 4/3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 एंड 3 का एलसीएम कितना आ गया, 12। अब 3 × 3 = 9 प्लस 3 × 3 = 9 प्लस 36 प्लस 16, 9 × 9 = 18, 18 प्लस 36 54 प्लस 60 प्लस 16 तो 70/12। 70/12 को जब सॉल्व करेंगे तो 35/6, और ये मेरा थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, यही आपका आंसर है 35/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस cot थीटा माइनस cosecant थीटा, ब्रैकेट एंड देन नेक्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा इनटू में secant थीटा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है और ऑप्शन गिवन है -2 secant थीटा cosecant थीटा sin थीटा cos थीटा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कोट थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस थीटा बाय में साइन थीटा, और कोसिकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin θ। नेक्स्ट ब्रैकेट को एज इट इज रहने देते हैं, 1 प्लस कोस थीटा
प्लस साइन थीटा इंटू में सीकेंट थीटा। साइन थीटा फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम लेते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस वन। नेक्स्ट ब्रैकेट क्या है, वन प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसको मैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस वन भी लिख सकता हूं। बस साइन थीटा को इसको रिवर्स कर दिया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस वन इंटू सेकेंट थीटा। अब आपके पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, यहां पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा यहां पर है, यहां पर माइनस वन है और यहां पर प्लस वन है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा को अगर मैं ए मान लूं और वन को बी मान लूं तो ये ए माइनस बी है, वो ए प्लस बी है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस वन का होल स्क्वायर, और नीचे साइन थीटा था, इसको ब्रैकेट के बाहर ले जाएंगे तो सीकेंट थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब साइन थीटा प्लस कोस थीटा के होल स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कोस थीटा, और वन का होल स्क्वायर वन आ गया तो माइनस का साइन है माइनस वन। सीकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन बाय कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा ऑलरेडी यहां पर है, वन बाय कोस थीटा साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, वन। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, वन। ये वन प्लस का हो जाएगा, वो वन माइनस का हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या वैल्यू बचेगी, टू साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे क्या वैल्यू बचेगी, साइन थीटा कोस थीटा जो ब्रैकेट के बाहर था। तो साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो गए, आपके पास क्या वैल्यू बची, टू। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या आ गया, टू। यहां पर एक बार नोट कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, वन। तो ये प्लस वन है, वो माइनस वन है, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर सिर्फ क्या बचेगा, टू साइन थीटा कोस थीटा, और बाहर क्या था, कोस थीटा साइन थीटा इसके डिवाइड में, तो साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ गया, टू, ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंटू साइन रेस्ट पावर सिक्स थीटा प्लस कोस रेस्ट पावर सिक्स थीटा माइनस थ्री, ब्रैकेट में है साइन रेस्ट पावर फोर थीटा प्लस कोस रेस्ट पावर फोर थीटा, और इसके बाय में है कोस रेस्ट पावर फोर थीटा माइनस साइन रेस्ट पावर फोर थीटा माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन माइनस वन, देन माइनस टू, टू एंड वन। ये क्वेश्चन सिंपल वैल्यू पुट करके हो जाएगा, तो अगर मैं साइन 90 वैल्यू पुट कर दूं, थीटा की जगह मैं 90 वैल्यू पुट कर दूं, जो आपका थीटा है उसकी जगह 90 पुट करना है, तो साइन 90 कितना होता है, वन, वन रेस टू पावर सिक्स, देन कोस 90 कितना है, जीरो, जीरो रेस टू पावर सिक्स, ब्रैकेट क्लोज, माइनस थ्री, साइन अगेन थीटा कितना है 90, तो साइन 90 कितना है, वन, वन रेस टू पावर फोर, प्लस कोस 90, जीरो, जीरो रेस टू पावर फोर, और इसके बाय में है कोस रेस टू पावर फोर थीटा यानी जीरो रेस टू पावर फोर माइनस साइन रेस टू पावर फोर थीटा, तो अगेन थीटा को 90 पुट किया, वन रेस टू पावर फोर और माइनस टू इंटू जीरो रेस टू पावर टू, वन रेस टू पावर सिक्स कितना आ गया, वन, और ये जीरो है तो जीरो की जीरो ही रहेगी कोई भी पावर हो, देन माइनस थ्री, वन रेस टू पावर फोर तो वन ही आएगा, देन जीरो की पावर कुछ भी हो वो जीरो ही रहेगा। नीचे आपका क्या आ गया, ये जीरो है, वन रेस टू पावर फोर, वन ही आएगा, वन और जीरो की कोई भी पावर हो, वन की कुछ भी पावर हो, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो हमेशा वन ही आता है, और जीरो की कुछ भी पावर हो तो वो जीरो ही आती है, और माइनस टू, जीरो रेस टू पावर टू है तो वो जीरो आ जाएगा, टू को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा जीरो बन जाएगा। यहां पर क्या रहेगा, वन प्लस जीरो वन है, टू इंटू वन टू लिख देंगे, देन वन प्लस जीरो वन है, उसको माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री ही आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, माइनस वन, तो ऊपर भी कितना आ गया, टू माइनस थ्री माइनस वन, और नीचे भी माइनस वन, माइनस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा आपका, वन, यानी कि ऑप्शन फोर। तो आपका आंसर क्या आ गया, वन। थीटा
और इसके बाय में है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन दिए हुए हैं सिकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, नेक्स्ट ऑप्शन है कोसिकेंट थीटा माइनस सिकेंट थीटा, नेक्स्ट ऑप्शन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और लास्ट ऑप्शन है टेंजेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट साइन थीटा माइनस कोस थीटा को एज इट इज रहने देंगे, देन नेक्स्ट बैंड को सॉल्व करेंगे। वन प्लस टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा, और कोटेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बाय साइन थीटा, और इसके बाय में पूरे में क्या है, वन प्लस साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा को अगेन ऐसे ही रहने देते हैं, तो कोस थीटा और साइन थीटा यहां से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, और साइन थीटा कोस थीटा फर्स्ट क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा वन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज रहेगा, देन कोस थीटा इससे डिवाइड होगा तो साइन थीटा रहेगा, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर साइन थीटा को इससे डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा रहेगा, कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। सिंपल एलसीएम लिया है मैंने इस ब्रैकेट में, साइन थीटा कोस थीटा एलसीएम लिया जाएगा और ऊपर वाले को सोल्व कर लेंगे। देन इसके पूरे के बाय क्या है, वन प्लस साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा को अगेन एज इट इज रहने देंगे, साइन थीटा कोस थीटा भी एज इट इज ही रहेगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, वन। इसके बाय में साइन थीटा कोस थीटा है, इस वाले को जब ऊपर लेके जाएंगे जो इस पूरी इक्वेशन के बाय में था वन प्लस साइन थीटा कोस थीटा, तो ये वन बाय में वन प्लस साइन थीटा कोस थीटा, तो ये भी क्या है, साइन थीटा कोस थीटा प्लस वन, और ये भी क्या है, वन प्लस साइन थीटा कोस थीटा, तो ये सेम है और मल्टीप्लाई में है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी। साइन थीटा कोस थीटा प्लस वन से वन प्लस साइन थीटा कोस थीटा कैंसल हो गया, तो आपके पास ऊपर क्या बचा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसके बाय में क्या बची वैल्यू, साइन थीटा कोस थीटा। तो जब साइन थीटा के बाय में साइन थीटा कोस थीटा लिखेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, देन माइनस कोस थीटा के बाय में साइन थीटा कोस थीटा लिखेंगे, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो क्या बचा, वन बाय कोस थीटा, और उसकी वैल्यू क्या होती है, सिकेंट थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बचा, वन बाय साइन थीटा, और उसकी वैल्यू क्या होती है, कोसिकेंट थीटा। तो इस सारी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आपके पास क्या आ गया, सिकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, और ये कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, यही मेरा आंसर है, सिकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकेंट थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कोस थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और इसके बाय में दे लेते हैं साइन थीटा इंटू वन प्लस टेंजेंट थीटा ब्रैकेट में है प्लस कोस थीटा इंटू में वन प्लस कोटेंजेंट थीटा ब्रैकेट में है। इसकी वैल्यू हमें बतानी है, और ऑप्शन दे रखे हैं टू कोस थीटा कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा, टू साइन थीटा कोस थीटा। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सीकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन बाय कोस थीटा, और ब्रैकेट में है वन माइनस साइन थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में है सिकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, उसको वन बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा। सिंप्लीफाई कर दिया, सिकेंट थीटा की जगह मैंने वन प्लस कोस थीटा लिख दिया, और टेंजेंट थीटा की जगह साइन थीटा बाय कोस थीटा लिख दिया, और इस पूरे के बाय में क्या था, साइन थीटा वन प्लस टेंजेंट थीटा को वन प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा लिख दिया, प्लस कोस थीटा, और वन प्लस कोटेंजेंट थीटा को वन प्लस कोस थीटा बाय में साइन थीटा लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, वन बाय कोस थीटा बाहर है और अंदर क्या है, वन माइनस साइन थीटा, साइन थीटा
प्लस कोस थीटा, और यहां पर कोस थीटा एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, वन प्लस साइन थीटा, और नीचे की वैल्यू कितनी है, कोस थीटा एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और बाय में क्या है, कोस थीटा। ऐसे ही कोस थीटा बाहर है, अंदर साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और इसके बाय में साइन थीटा। अब इसको ध्यान से देखिए, यहां पर वन माइनस साइन थीटा है और यहां पर वन प्लस साइन थीटा है। ये वन माइनस साइन थीटा है, वो वन प्लस साइन थीटा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये सब कुछ इंटू में है, तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा को जब इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसकी वैल्यू क्या होती है, कोस स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, कोस स्क्वायर थीटा। या मैंने डायरेक्ट लिख दिया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और आपके पास क्या बचा, वन बाय कोस थीटा ये है, और वहां भी कोस थीटा बाय में है, तो ये भी कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, यहां इस स्टेप पे मैंने क्या किया है, वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा को इंटू किया है, जो क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर थीटा। एक कोस थीटा ये था, एक कोस थीटा ये था, दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, उनकी जगह क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर थीटा। अब आपके पास क्या बचा इसके साथ, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और नीचे क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, यहां भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, इस सारे को कॉमन ले लेंगे इस पूरी इक्वेशन में से, और इस पूरी इक्वेशन में से साइन थीटा प्लस कोस थीटा मैं कॉमन ले लूंगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा नीचे वाले में से कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा एंड कोस थीटा बाय साइन थीटा। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर रब करेंगे और नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे। तो आपके पास क्या बचा है, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा से साइन थीटा प्लस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या रह गया, वन, और नीचे क्या है, साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाय में साइन थीटा। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो साइन थीटा कोस थीटा आपके पास एलसीएम आ गया, और यहां पर साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, वन, और ये ऊपर चला जाएगा तो आपका आंसर कितना आ गया, साइन थीटा कोस थीटा। इस वैल्यू से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, वन, और वन के बाय में क्या था, साइन थीटा कोस थीटा, तो ये ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा वन से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और ऑप्शन दिए हुए हैं माइनस टू वन जीरो एंड माइनस वन। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, थीटा की वैल्यू मैं 45 डिग्री पुट कर लेता हूं, थीटा किसके इक्वल है, 45 के इक्वल मैंने मान लिया, पुट कर दिया, तो टेंजेंट स्क्वायर 45, टेंजेंट 45 कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर कोट 45 भी कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर माइनस सीकेंट 45 की वैल्यू क्या होती है, रूट 2 का स्क्वायर, और कोसेकेंट 45 भी कितना होता है, रूट 2 इसका भी स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 रूट टू का स्क्वायर करूंगा तो 2 आ जाएगा, रूट टू का स्क्वायर करूंगा तो भी 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, माइनस 2 इंटू 2 4, तो आपका आंसर कितना आ गया, माइनस 2, यानी कि कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थीटा की कोई भी वैल्यू मैंने 45 पुट किया, किसी भी वैल्यू से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थीटा को 30 पुट कर दीजिए, 60 पुट कर दीजिए, तो आंसर आपका कितना आएगा, सेम आएगा, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इसका होल स्क्वायर है इंटू में 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ऑप्शन है कॉस थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, सेकेंट थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सेकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इस सारे का होल स्क्वायर है और यहां पर क्या है, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने देते हैं फिलहाल, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे, अंदर क्या रहेगा, 1 माइनस साइन थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या है, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। इस बात को समझेंगे कि ये a माइनस बी था, ये a प्लस बी था, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसको होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और नीचे कोस थीटा का होल स्क्वायर था तो कोस स्क्वायर थीटा उसको लिख दिया, और ये डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर कितनी है, 2, और नीचे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अगेन कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर होगा तो कोस रेस टू पावर 4 थीटा हो जाएगा, कोस रेस टू पावर 4 थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा ऊपर जाकर पावर माइनस हो जाएगी तो क्या बचेगा, जो 4 में से 2 पावर माइनस होगी तो कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा, ये जो बाय डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा था उसको मैंने कोस स्क्वायर थीटा के नीचे लिख दिया। स्टेप को एक बार फिर से देख लीजिए, कोस रेस टू पावर 4 थीटा बाय में कोस स्क्वायर थीटा था, ये पूरी इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड हो रही थी। तो कोस स्क्वायर थीटा जब ऊपर आएगा तो 4 में से 2 माइनस हो जाएगी पावर, कोस स्क्वायर थीटा उसको लिख दिया और साइन स्क्वायर थीटा इसके डिवाइड में आ गया। कोस स्क्वायर थीटा बाय में साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोट स्क्वायर थीटा के। ये आपका आंसर आ गया, कोट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 64 डिग्री प्लस कोस 64 डिग्री, साइन 26 डिग्री प्लस 2 कोस 43 डिग्री, कोसेकेंट 47 डिग्री। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है 3। ये क्वाड्रेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर 64 डिग्री को एज इट इज रहने देंगे, कोस 64 डिग्री को भी एज इट इज रहने देंगे, साइन 26 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 64 डिग्री। साइन 26 को मैंने क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस 64 डिग्री। तो नेक्स्ट इक्वेशन को प्लस 2 कॉस 43 डिग्री को एज इट इज रहने देंगे, और कोसेकेंट 47 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 43 डिग्री। कोसेकेंट 47 डिग्री को क्या लिख दिया, कोसेकेंट 90 माइनस 43 डिग्री। साइन स्क्वायर 64 डिग्री एज इट इज रहेगा, कॉस 64 डिग्री, और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो साइन है वो पॉजिटिव होते हैं, सारे थीटा पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 90 माइनस 64 डिग्री है तो ये क्या आ जाएगा, साइन 90 है तो चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज होता है, कोस कोस 64 डिग्री, देन प्लस 2 कोस 43 डिग्री,
और अगेन कोसिकेंट 90 माइनस थीटा है तो कोसिकेंट किस में चेंज होगा, 90 और 270 पर एंगल चेंज हो जाते हैं तो कोसिकेंट किस में चेंज होगा, सीकेंट में। तो ये कितना आ जाएगा, अगेन पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 माइनस थीटा है तो सीकेंट 43 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कोस 64 डिग्री है, कोस 64 डिग्री है तो ये कोस स्क्वायर 64 डिग्री हो जाएगा, कोस 64 डिग्री प्लस इंटू कोस 64 डिग्री तो कोस स्क्वायर 64 डिग्री प्लस 2 कोस 43 डिग्री और सीकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोस 43 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो वो क्या होता है, 1, और ये कोस 43 डिग्री से कोस 43 डिग्री कैंसिल हो जाएगा तो यहां क्या बचेगा, 2, 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 3, तो आपका आंसर कितना आ गया, 3। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।